खराब परीक्षा परिणाम पर जिला के सभी स्कूल प्रभारियों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जिला के 30 स्कूलों का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 25% रहा है, जिसमें 12 स्कूलों का 12वीं और 18 स्कूलों का 10वीं का परीक्षा परिणाम खराब रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार इन स्कूलों का परीक्षा परिणाम काफी खराब रहा है। परीक्षा परिणाम खराब रहने पर विभाग ने स्कूल मुख्याध्यापक और प्राध्यापक समेत अध्यापकों से जवाब मांगा है। मार्च माह में हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम परीक्षा अप्रैल और मई में आ गए थे, जिसमें जिला के 30 स्कूलों का परीक्षा परिणाम काफी खराब रहा। इन 30 स्कूलों के 25% बच्चे ही पास हो पाए हैं। परीक्षा परिणाम खराब रहने से स्कूल प्रबंधन और अध्यापकों के पढ़ाने पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल विभाग ने स्कूलों से जवाब मांगा है, इसके बाद ही पता चलेगा कि स्कूलों में किस कमी के कारण परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा, जिसमें से 161 सरकारी उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा। इस संबंध में उच्च स्तर शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर सोमदत्त सांख्यान ने कहा कि जिला के 30 स्कूलों का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम खराब रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हमारे हमीरपुर जिले में मैट्रिक का जिनका रिजल्ट 0 से 25% तक रहा है, ऐसे 20 स्कूल हैं जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं, और प्लस टू का जिनका रिजल्ट 0 से 25% तक रहा है, ऐसे 12 स्कूल हैं, और इन सभी स्कूल्स को नोटिस भेजे गए हैं, और इनका जैसे बहुत सारे स्कूल से इसका जवाब आ गया है, और बाकी का जैसे पहुंच जाता है तो सभी का वो कंपाइल करके हम डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन में भेजेंगे शिमला में, और वहां से फिर इनके विरुद्ध जो है कार्यवाही की जाएगी।